नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ईश्वर की कृपा से मजे में होंगे। आज मैं इस वीडियो में मंगल के दशम भाव में स्थित होने का फल बताऊंगा कि मंगल अगर किसी भी जातक की कुंडली में दशम भाव में स्थित हो, ये दशमा भाव हो गया, इस भाव में स्थित हो तो वो क्या फल देगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक व शेयर कर देना। देखिए, मंगल की जो सबसे अच्छी स्थिति होती है एस्ट्रोलॉजी में, वो कुंडली का दशम भाव होती है। दशम भाव में मंगल के होने से जातक कुलदीपक होता है, जातक का यश चारों तरफ फैलता है, यानी जातक बहुत ही यशस्वी होता है। जातक के पास सरकारी अधिकार होते हैं, उमूमन वो एक अच्छी सरकारी नौकरी करता है, उसका हुक्म से कई काम हो सकते हैं। इस तरह का जातक धनवान होता है, गुणी होता है, यशस्वी होता है। पर एक थोड़ा सा नेगेटिव है, पॉइंट भी है कि जातक की अपने पिता के विचारों से मतभेद रहता है। जो उसके पिता के विचार होते हैं उनसे जातक का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, थोड़ा मतभेद रहता है। मंगल गवर्नमेंट सर्विस दिलवाने में दशम भाव में सबसे अच्छी भूमिका निभाता है। अगर हमें देखना हो कि किसी को गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये देखिए कि दसवें भाव में मंगल पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर दसवें भाव में मंगल पड़ा है तो ये अपने आप में एक बहुत ही शुभ संकेत है कि उस जातक को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये तो हो गया मंगल का दशम भाव में फल। अब हम बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। भाई, मंगल की तीन दृष्टि होती हैं, एक होती है चौथी, ये होगी चौथी दृष्टि, एक होती है सातवीं, यहां पर वाली सातवीं, एक होती है आठवीं। पहले चौथी दृष्टि की बात कर लें। मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ती है वो लगन पर पड़ती है, यानी कि कुंडली की फाउंडेशन लगन पर पड़ती है, जो चौथी दृष्टि पड़ती है, जिसके कारण जातक को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि समाज में हर कोई व्यक्ति उसका बहुत ज्यादा सम्मान करे। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं, सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि जहां पर गई, जहां पर गई सातवीं दृष्टि, चौथे घर पर। चौथा घर में किस चीज का होता है, जमीन जायदाद वाहन माता का सुख। अगर इस भाव में देखिए एक राशि हो, आठ राशि हो, दस राशि हो, मेख वृश्चिक या मकर राशि हो, तो उस व्यक्ति के पास जमीन जायदाद घर वाहन की कोई कमी नहीं होगी। उसका घर बहुत अच्छा होगा, जमीन जायदाद की खरीद बेच में उसे फायदा होगा। मगर अगर इस घर में कोई शत्रु राशि आ जाए तो उसको सेल एंड परचेज ऑफ लैंड, जमीन की खरीद और बेच में थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब इसकी आठवीं दृष्टि की बात करते हैं। देखिए, जो आठवीं दृष्टि पड़ेगी इसकी, वो जहां पड़ेगी, पंचम भाव पर। पंचम भाव होता है संतान का। मंगल एक आग वाला ग्रह है, अंगारक ग्रह है। तब जब इसकी दृष्टि संतान के भाव पर पड़ेगी तो उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति में थोड़ी डिले हो सकती है, यानी पहले लड़की हो जाए बाद में लड़का हो, या लड़का लड़का होने में थोड़ी देर हो जाए, उसे थोड़ी डिले हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं भाई, जो मंगल के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो अशुभ प्रभाव है, उसको मिटाने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सके। देखिए, अगर आपको मंगल के अशुभ जो प्रभाव है वो महसूस हो रहे हो तो क्या करें, एक तो मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं, स्ट्रे कोस को जो आम फिरती है गलियों में, उन गायों को मंगलवार के दिन गुड़ खिलाएं, और मंगलवार को गरीब लोगों को गुड़ वाले चावल जो होते हैं, गुड़ वाले चावल वो खिलाएं। इससे ईश्वर की कृपा से आपके सभी दुख दूर होंगे और मंगल आपको शुभ फल देने लगेगा। थैंक यू वेरी मच।